मेरा भारत मेरा परिवार, परिवार के हर सुख दुख की चिंता करना मेरा भी दायित्व है और इसलिए मैंने तय किया है कि मुफ्त राशन देने वाली योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी यहां के लाखों परिवारों को मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी परिवार हैं उनमें जो भी बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब आप अगर आपके परिवार में 70 साल से ऊपर की उम्र को कोई परिवार के माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची अगर कोई बीमार हो जाए तो आप इलाज कराने में जरा भी कंजूसी मत करना, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपाय करना, इलाज करना, खर्चा आपका बेटा देगा। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले करीब 60 वर्ष तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित पिछड़े आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं, मैं गरीबी को जी करके आया हूं, जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है ना, वो मैंने भी झेली है। आज देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया और कांग्रेस देखिए उनका भी विरोध किया। भाजपा ने देश को पहली आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। अब मुझे बताइए इसमें कांग्रेस का क्या जाता था भाई? कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस ने साथ देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था? लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बन रही थी उनका भी विरोध किया और जीत गई तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान भी किया। यहां छत्तीसगढ़ में आपने भरोसा जताया तो हमने मेरे साथी अरुण साव जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन कांग्रेस को गरीब दलित पिछड़े आदिवासी परिवारों की सत्ता में ये भागीदारी पच नहीं रही। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे, अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को यह कहा है
और ये सार्वजनिक करता है उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अब आप मुझे बताइए, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोदी ने आके तय कर दिया, अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं आएगी, गांव के स्कूल में पढ़ करके आएगा, अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बनेगा। ये काम हम करते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दा ही नहीं है, यहां का कोसा, हमारा कोसा सिल्क दुनिया भर में छा जाए, मोदी इसके लिए समर्पित है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं, ऐसे साथियों के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई है। हम ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए भी पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना पर भी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर यहां कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? यहां कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी, हम मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को गालियां दी थी, भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया, गरीबों की संतान ने भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके इसलिए मैंने मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई स्थानीय भाषा में शुरू करने का काम किया। लेकिन यहां कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मोदी मर जाए। अब बताइए, माला जप रहे, अरे जहां 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद होता है ना, वहां मौत को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। साथियों, ये जो बौखलाहट है ये मोदी से नहीं है, ये आपके एक वोट की ताकत है ना, इसलिए ये कांप रहे हैं। ये महादेव घोटाले, शराब घोटाले, भर्ती घोटाले में चल रही तेज जांच की बौखलाहट है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये कितनी भी गालियां दे, धमकियां दे, सर फोड़ने की बातें करे, मारने मरने की बातें करे, जब तक आपका सुरक्षा कवच है
छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथियों, आपने देखा होगा